मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे, आपको हम पढ़ाएंगे आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से आपका जो होता है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द कॉनकेव मिरर, अरे कॉनकेव लेंस। आपके दो जो होते हैं इसमें दो केस में इमेज बनते हैं, और इसमें जो होता है जिस तरह से हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस में बताया था उसी तरह जो होता है कि हम आपको कॉनकेव लेंस में बताएंगे। इसमें देखिए आपका जैसे मैंने बताया कि व्हेन एनी लाइट रेज गोज टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, तो इसमें यही कंडीशन इसमें भी है कि जब कोई लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो फोकस से होकर जाएगी, और सेकंड बताया था कि जब कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। थर्ड केस क्या था कि जब कोई फोकस पे हिट करेगा तो क्या होगा, बिकम टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके थ्री जो है रूल्स हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस के द्वारा जो होता है तीन रूल्स है, ये नियम है जिसके द्वारा जो होता है आप इमेज फॉर्मेशन में आपको हेल्पफुल होगा। तो ये आपके हैं, पहला कि पैरेलल से होकर जाएगी तो फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर पर ही रहेगी, और कोई फोकस पे हिट करेगा तो ये क्या होगा, बिकम टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, अब बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस, सो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस के जो होता है थ्रू जो है इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, इसमें दो केसेस में होते हैं। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव कर दीजिए, और सेकेंड क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर के बाद कहीं पर भी इन्फिनिटिव, इन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटिव के बीच में आप कहीं पर ऑब्जेक्ट को ला दीजिए। तो फर्स्ट केस में हमने जो था ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटिव पर रखा है, तो अब देखिए एनी लाइट रेज गोज टू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से होकर जाएगी। अब सेकेंड मैंने कहा कि जो होता है अब सेकेंड लाइट रेज दोनों जो होता है आपको फोकस पर ही कट करेंगे, तो फोकस पे कट करेंगी तो आपका जो होता है इमेज कहाँ पर बनेगा, एट फोकस, और फोकस बनेगा तो क्या बोला, हाईली डिमिनिश्ड काफ़ी छोटा बनेगा, और जो होता है आपका कैसा, अब देखिए फ्रंट ऑफ दी लेंस हो रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों लाइट जो होता है आपको वर्चुअली काट रहा है, इमेजिनरी एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इस केस में आपका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, वर्चुअल, और इसी साइज का बनेगा जिस साइज का आपका क्या रहेगा, ये रहेगा, तो आने की इसका मतलब ये इरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, इरेक्ट। ये हल्का सा आपका जस्ट यहाँ पे आपको ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे ऐसे एक लाइट रेज, तो इसी तरह से आपका हल्का सा ऊपर कट करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कहाँ पर बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज का आपका, उसी प्रकार का आपका इमेज भी बनेगा, तो ये आपका क्या होगा, हाईली डिमिनिश बहुत छोटा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट, और कहाँ पर बनेगा, एट फोकस। सेकेंड है कि एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटिव के बीच में हमने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। सो आपका देखिए दोस्तों ये पैरेलल जाएगी तो क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, ये आपका जो होता है लाइट रेज फोकस से होकर जाएगी, तो ये आपका फोकस से यहाँ पे आप कर दीजिए ऐसे, और ये एक सेकेंड लाइट रेज जो होता है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इसको इरेज कर दीजिए आप, तो देखिए आपका कहां पर, यहां पर इमेज बनेगा। तो आपका जो होता है इमेज कहां पर बनेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, कैसा बनेगा देखिए दोस्तों, इरेक्ट तो बनेगा क्योंकि जिस साइज का ये है इसी साइज का ये भी है, तो इरेक्ट मतलब सीधा इरेक्ट बन गया। अब क्या होगा, डिमिनिश थोड़ा छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, अब और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, अब कैसा होगा आपका, अब वर्चुअल हो गया, कहां पर बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ आपका इमेज
यहाँ पर बनेगा। दो केसेस होते हैं, दोनों केसेस में मैंने आपको डिफाइन कर दिया। पहले केस में फोकस पे बनेगा और दूसरे केस के में बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एपर बनेगा। सो दोस्तों अब देखिए आपका इमेज लेंस फार्मूला, ठीक है, आपको लेंस फार्मूला देखिए बच्चों, आपका लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/fa। भी आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर और u डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर और एफ होता है फोकल लेंथ। ये आपका इमेज लेंस फार्मूला है जिसमें आपका भी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑप्टिकल सेंटर और यू जो था डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर और एफ जो होता है फोकल लेंथ होता है। तो दोस्तों ये आपका इमेज फार्मूला। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि साइन ऑफ द एफ यू भी इन ऑल केसेस। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।